हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज आदित्य एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक आज। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप आपके फ़ोटोज़ पर से या इमेजेस पर से आप आपके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक यही है कि आप कैसे आपके वीडियोज़ में से आपके बैकग्राउंड को हटा सकते हो और काफ़ी एक अच्छा लुक दे सकते हो आपके बैकग्राउंड को। तो बिना समय वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हम आपका हमारा कंटेंट हमेशा समय पर मिल सके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको आपके फ़ोटो में से बैकग्राउंड को हटाने के लिए करना क्या है, आपको गूगल क्रोम पे जाना है और सर्च करना है यहाँ पे आपको remove.bg। ये मेरे इसमें आ गया, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि आप वहाँ से जाके डायरेक्ट इस पर चले जाएँ। तो इसे सर्च करना है आपको सबसे पहले, सॉरी मेरा इंटरनेट कनेक्शन ऑफ है। तो जैसे आप यहाँ पे पहुँचते हो, ब्राइटनेस थोड़ी कम कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ रिम्यू इमेज बैकग्राउंड। और इसके लिए केवल आपको 5 सेकेंड लगेंगे और एक सिंगल क्लिक में आपका बैकग्राउंड पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। तो जैसे कि मैं कोई फ़ोटो लेता हूँ मेरी गैलरी में से, तो ये फ़ोटो ले लेते हैं। तो ये थोड़ा 5 सेकेंड लेता है, हो गई हमारी फ़ोटो। इसमें चाहे तो आप बहुत सारे कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये है ओरिजिनल इमेज जो कि मैंने आज ली थी और ये रही इसकी बैकग्राउंड इमेज। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आपको कस्टमाइजेशन दिख मिल जाता है इसके अंदर और काफ़ी अच्छी डिटेलिंग मिल जाती है, कहीं भी कुछ छूटा नहीं है। अब आप चाहे तो इसी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, तो डाउनलोड करने के बाद ये इमेज कुछ इस प्रकार की दिखती है। अब आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या तो फिर इसमें आप अगर कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इरेज ये जो भी है इसे भी कर सकते हैं। इसे वापस रीडू करने के लिए यहाँ से अंडू कर सकते हैं। इसके बाद आप इसका ब्लर बैकग्राउंड भी बढ़ा सकते हैं। ब्लर बैकग्राउंड बढ़ाने के बाद आप इसके बैकग्राउंड में चाहे तो आप फ़ोटो लगा सकते हैं। जैसे कि मैं फ़ोटो लगा देता हूँ, ये फ़ोटो को दे सकते हैं, आप फ़ोटो लगा सकते हैं, फ़ोटो हो गई या फिर कुछ कलर वलर हो गए आप वो लगा सकते हो। तो मैं ये फ़ोटो लगा लेता हूँ, ये फ़ोटो मैंने लगा ली। अब चाहो तो आप इसका ब्लर भी एडजस्ट कर सकते हो, ब्लर को भी कम ज़्यादा कर सकते हो आप यहाँ से। तो थोड़ा टाइम लेता है ब्लर को कम ज़्यादा करने में। तो ब्लर को आप एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा टाइम लेता है ब्लर एडजस्ट करने में। इसके साथ साथ आप इसके अंदर कलर को भी कर सकते हो। जूम इन जूम आउट है ये, अब ब्लर का नीचे है, आप इसे चाहे तो बढ़ा भी सकते हो और इसकी इंटेंसिटी को कम भी कर सकते हो। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लुक मिल जाती है। अब चाहे तो आप इसे यहाँ से सेट कर सकते हो, या तो आपको और कस्टमाइजेशन करना हो या रिस्टोर यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप कलर सेट कर सकते हो, इसके ऊपर कलर भी सेट कर सकते हो, ये देख सकते हो आप। तो मुझे तो कलर उतने ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आए, इसके लिए या तो आप यहाँ से रिस्टोर कर लो या तो फिर आप वापस फ़ोटो पे वही बैकग्राउंड लगा दो। तो देख सकते हैं काफ़ी आपको अच्छी फ़ोटो मिल जाती है। तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप डाउनलोड करने के बाद फ़ोटो कुछ इस प्रकार की दिखती है। तो काफ़ी अच्छी आपको डिटेलिंग मिल जाती है इस फ़ोटो के अंदर। और देख सकते हैं ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने कोई ऐप का इस्तेमाल किया, ऐसा लग रहा है कि मैंने ओरिजिनलिटी में थोड़ी सी फ़ोटो ली है। और ब्लर बूके इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा आया है। तो इस तरह से आप आपकी फ़ोटो में से बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकते हो और बैकग्राउंड को हटा भी सकते हो, वो भी केवल और केवल 5 सेकेंड के अंदर ही। तो आई होप यू एंजॉय माई वीडियो। अगर आपका हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और हमें
सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो और लाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइए। और अगर आप और चाहते हैं कि वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है तो इसका फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।